तत् सत् सौंदर्य सार सर्वस्वम् माधुर्यम् गुणवृन्हितम् ब्रह्म एकम् अद्वितीयम् यत् तत्त्व एकम् द्विधा कृतम् शौर्यस्य पिबवेत् शौर्य हे अग्निर् अग्नि प्रभोर् प्रभो श्रिया श्रियैश्च भवेत् ग्राह्या हे कीर्त्या कीर्ति क्षमो क्षमा वेदादि शास्त्र संवेद्यम् श्रीराधा कृष्ण स्वरूपकम् सरहस्यम् सताम सेव्यम् अद्भुतम् तम नमाम्यम् बर्हपीडम् नटवर वपु कर्णयोर् कर्णिकारम् विव्रतवासः कनक कपिशुम् वैजयन्तीम् चामालाम् रंध्रान वेणुर अधुर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति श्रृण्वन तो नामानि रथांग पाने जन्मानि कर्मानि च यानि लोके गीतानि नामानि तद् अर्थकानि गायन वलज्जो विचरेद संगा स्मरे वृंदावने रम्मे गो गोभि समावृतः गोविंदम पुंडरीकाक्षम गोप कन्या सहस्रश शांति। भक्त भक्ति और भगवान अगर हम शब्द की दृष्टि से देखें तो जो भक्त शब्द है भक्त का अर्थ होता है जो बटा हुआ ना वे भक्त कहते हैं जो बटा हुआ है बट जिसके खंड हुए हों टुकड़े हों जिसके उसको विभक्त कहते और भक्त उसको कहते हैं जो अखंड है जो बटा हुआ नहीं। विभक्त का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि कुछ और कहे मन कुछ और कहे सोचे कुछ और करे कुछ और कहे कुछ और वो बटा हुआ है। बटा हुआ का अर्थ है उसकी इंद्रियां कुछ और चाहती हैं आंख तो रूप को देखना चाहती हैं किसी को देखना चाहती हैं कान किसी की आवाज़ सुनना चाहते हैं त्वचा किसी का स्पर्श चाहती है हाथ किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना चाहते हैं मन किसी की कल्पना करता है बुद्धि किसी का चिंतन करती है अर्थात बुद्धि किसी और का चिंतन करे मन किसी और जगह पर हो तो वो विभक्त बटा हुआ है।
और भक्त उसको कहते हैं जो बटा हुआ नहीं। अविभाज्य जिसकी टुकड़े नहीं, अर्थात जिसका मन जिसकी कल्पना करता है, बुद्धि भी उसी का चिंतन करे, आँख भी उसी के रूप को देखने की लालायत हो, कान भी उसी की वाणी को सुनने के लिए आतुर हों, तो जब हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण सब किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं, तो उस स्थिति को भक्त कहते। भक्त का अर्थ होता है जो विभक्त नहीं। तो पूरी तन्मयता से, पूरे अस्तित्व से, पूरे वजूद से सत्य को चाहना, सच्चाई को चाहना। सच्चाई को चाहने का अर्थ होता है सचमुच के सुख को चाहना। सचमुच का सुख अर्थात वो सुख जिसका विषयों से कोई संबंध नहीं, जो विषयों के माध्यम से जिस सुख को हम प्राप्त करते हैं वो सचमुच का सुख नहीं है, वो क्षणिक है। थोड़ी देर तो सुख रहेगा लेकिन बाद में वही दुख में बदल जाता है। तो चाहिए हमें ऐसा सुख जो कभी दुख में ना बदले। तो वो सुख ईश्वर की भक्ति में ही है। ईश्वर का अर्थ है सत्य। जहाँ सत होगा वहाँ चित और आनंद ये दोनों जरूर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सत अकेला हो, चित और आनंद वहाँ ना हो। तो भक्त का अर्थ हो गया अपनी कर्म इंद्रियों से, अपनी ज्ञान इंद्रियों से, अपने अंतःकरण से पूरी तरह से सत्य को ही चाहना। और भक्ति उस वृत्ति को कहते हैं जो इन इंद्रियों के माध्यम से हमें सत्य से एक कर देती है। ऐसी वृत्ति जो हमारे वजूद को, हमारे जीवन को सत्य से एक कर दे। सत्य से एक करने का अर्थ होता है सत्य ही बना दे। सत्य से कभी किसी की मुलाकात नहीं होती, सत्य से एकता नहीं होती, सत्य ही हो जाते। तो इस तरह से जो वृत्ति हमें सत्य ही कर दे उसका नाम भक्ति। तो इस तरह से भक्ति का जो सही स्वरूप है, सही स्वरूप भक्ति का यही है कि पूरी तन्मयता से, एकाग्रता से, ईमानदारी से सत्य की चाहना। इसके लिए क्योंकि हम अभ्यस्त हैं सांसारिक विषयों के, इधर से मन हटाकर उस तरफ मन लगे, तो इसके लिए कुछ आचार्यों ने, संतों ने कुछ ढंग बतलाए कि ऐसा ऐसा अभ्यास करो तो हमारा मन सत्य की ओर अग्रसर होगा। सत्य की ओर अग्रसर अर्थात हम अपनी सांसारिक परेशानियों से बचकर सचमुच का, जिसको हम आनंद कहते हैं, उसकी अनुभूति हो। इसी में ही जीवन की सार्थकता, जीवन की सफलता भी इसी में ही। तो वो जो भक्ति है ईश्वर की, अब थोड़ा सा ईश्वर के स्वरूप की बात कर लें कि ईश्वर क्या है
जिसकी भक्ति करनी है। तो ईश्वर जो है उसके मोटे तौर पर उसको समझने के लिए उसके तीन रूप हैं। तीन रूपों में से परम रूप को ब्रह्म कहते हैं और दूसरे रूप को परमात्मा कहते हैं, तीसरे रूप को भगवान कहते हैं। तो ईश्वर के या परम सत्ता के या उस सत्चित आनंद के ये तीनों रूप हैं। इन तीनों रूपों में अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता और मानसिक रुचि के अनुसार किसी भी एक रूप की उपासना होती। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। देखो ब्रह्म एक ईश्वर का रूप है, उसको हम शास्त्र की भाषा में कहें तो कहते हैं निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार का अर्थ ये है कि उसमें गुण भी कोई नहीं और उसकी शक्ल सूरत भी कोई नहीं, आकार भी कोई नहीं, ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना उसमें कोई गुण है, केवल सत्ता मात्र है। शक्ति तो है लेकिन वो शक्ति किस तरह की है उसका कोई आकार नहीं है, कोई शक्ल नहीं है और उसमें कोई गुण नहीं। गुण का मतलब सत, रज, तम, इन गुणों से वो रहित है। प्रकृति के जो गुण हैं इन गुणों में उसमें कोई गुण नहीं। दूसरा उसका रूप है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा को शास्त्र की भाषा में सगुण निराकार, उसमें गुण तो हैं पर आकार कोई नहीं, गुण हैं शक्ल सूरत कोई नहीं। ये सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा ही इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, परमात्मा ही इसका पालन करते हैं, परमात्मा ही इसका संहार करते हैं। क्योंकि वो उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं तो इसलिए गुण तो हैं, ये गुणों का सहारा लेकर ही वो ये करते हैं। रजोगुण की प्रधानता से उत्पत्ति होती है संसार की, सत्वगुण की प्रधानता से इसकी रक्षा होती है और तमोगुण की प्रधानता से इसका संहार होता है। तो इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और विलय का वो कारण, इसलिए वो सगुण है, उसमें गुण है ये कि वो ये बनाता है, रखता है, मिटाता है। लेकिन उसका आकार, उसकी शक्ल सूरत कैसी है, वो आकार कोई नहीं। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भाई जो कुछ कर रहा है परमात्मा कर रहा है। अब किसी से पूछो कि परमात्मा कैसा है जो कर रहा है, तो फिर वो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। तो परमात्मा ही सब कर रहा है, परमात्मा जो चाहेगा वो हो जाएगा, परमात्मा ही सर्वे सर्व, ऐसे हम बोलते। तो ये उसके गुणों को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं लेकिन फिर उसकी शक्ल सूरत कैसी है वो उसका कोई जवाब नहीं। तो इस तरह से ऐसी स्थिति में उसी को परमात्मा कह देते। और फिर एक उसका रूप है,
उसमें उसकी शक्ल सूरत भी है और गुण भी है, उसको सगुण साकार बोल देते। सगुण साकार जैसे अवतार हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये अवतार के रूप में सगुण साकार। तो सगुण साकार को तो भगवान कहते हैं, सगुण निराकार को परमात्मा कहते हैं और निर्गुण निराकार को ब्रह्म कहते हैं। इस तरह से ये उसके तीन रूप हैं, निराकार भी वही है, साकार भी वही, निर्गुण निराकार भी वही है, सगुण साकार भी वही, ये उसी की तीन स्थितियां। ये तीन अलग नहीं हैं, तीन उसी की स्थितियां। आप ऐसा समझ लो कि जैसे हमारी सब की भी तीन स्थितियां, जैसे ईश्वर की हैं वैसे ही हम सब। जब आप सो जाते हैं, नींद आ जाती है आपको, तो उस समय आप निर्गुण निराकार, उस समय ना आपकी कोई शक्ल सूरत रहती है, ना कोई गुण रहता है, ना ही आपको ये ध्यान रहता है कि मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, मैं बच्चा हूँ या मैं बूढ़ा हूँ, मैं बीमार हूँ या मैं स्वस्थ हूँ, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ के पंजाबी हूँ के बंगाली, ये सब खत्म हो गए। तो जब हम सो जाएं, तो रहते तो हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते, हम हैं लेकिन आकार के बिना, शक्ल सूरत के बिना और गुणों के बिना। गुण भी कोई नहीं, आकार भी कोई। तो वो कौन सी स्थिति है? उस स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहते। उस समय हम ब्रह्म के समकक्ष हैं, परम आनंद की स्थिति में। परम आनंद की स्थिति का अर्थ होता है कि हम सब उपाधियों से छूटे हुए। उपाधियां यही हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इन सब को उपाधियां कहते। जब ये सब छूट जाएं तो हम ब्रह्म हो गए। तो एक तो भक्ति है उस ब्रह्म की, उस ब्रह्म के लिए हमें सब उपाधियों से अपने आप को विनिर्मुक्त करना। इसमें बुद्धि की प्रधानता होती है, इसमें भाव भी रहता है लेकिन मुख्य बात बुद्धि की। इसमें विचार की पद्धति है, तो ये विचारात्मिक भक्ति मिलाएगी ये भी ईश्वर से, और ईश्वर से मिलाते मिलाते बस ये आप में और ईश्वर में जो अंतर है उसको खत्म कर। देखो इसमें आप ऐसे सोच लो कि जैसे हम जो हैं 19 तत्वों का सम्मिश्रण, 19 अंग हैं हमारे, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो हम जो कुछ भी करते हैं इन 19 की सहायता से ही करते हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जो इन 19 की सहायता के बिना, चाहे हम बोलते हैं, चाहे देखते हैं, चाहे सुनते हैं, चाहे खाते हैं या कुछ बनाते हैं, जो भी आप करते हैं
वो इन 19 के सहारे ही करते हैं। अगर आप पूजा पाठ भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, तो यही काम आते हैं। आंखों से मूर्ति को देखते हैं, हाथों से आरती को घुमाते हैं, जुबान से बोलते हैं, गाते हैं, हाथ से ढोलक बजाते हैं, पाँव से नाचते हैं, ये सब इनके अलावा और कुछ नहीं। इनके बिना आप कुछ कर नहीं सकते, इन्हीं की सहायता से आप करते हैं। जब आप कुछ भी करते हैं तो केवल इन्हीं के आश्रय पर आप नहीं करते, हमें साथ में और चीज़ों की सहायता चाहिए। देखो, हम देखें, अगर देख रहे हैं ऐसा मान, तो देखने के लिए एक तो वो वस्तु चाहिए जिसको देखना है और एक देखने वाला चाहिए। अगर वस्तु नहीं होगी तो देखेंगे क्या? तो वस्तु सामने हो, देखने वाला भी हो। अच्छा, देखने वाला भी हो, वस्तु भी हो, और अगर सूरज ना हो, अर्थात रोशनी ना हो, तो रोशनी नहीं होगी तो तब भी नहीं देख पाएंगे। वैसे तो रोशनी भी हो, वस्तु भी हो, देखने वाला भी हो, आंखें ही ठीक ना हो तो तब भी नहीं देख पाएंगे सही कि किसको क्या देख रहे हैं। एक के दो दो भी नजर आ जाते, कभी बिल्कुल धुंधलापन, एक की जगह दूसरा नजर आ जाता, फिर हम कहते हैं मैं ठीक से पहचान नहीं पाया था, अब मेरी नज़र कुछ ऐसी हो गई। बुढ़ापे में तो तकरीबन बुद्धि भी थोड़ा साथ नहीं देती, नज़र भी साथ नहीं देती, तो उस उम्र में आदमी बस बच्चों का खिलौना सा बना होता है। बच्चे आके पूछते हैं कि पहचानते हो दादा हमें? वो वैसे ही कहेगा हाँ। वो कौन हूँ मैं? तो किसी और का ही नाम ले देगा कि वो है। फिर वो खुश होते हैं सुन सुन के कि देखो ये क्या। तो ये देखने के लिए जो कोई भी चीज़ देखें, ये सब अंग भी सुस्वस्थ हों, वस्तु भी सामने हो, सूरज भी, और मन भी हो उसको देखने का, फिर हम उसको देख पाए। ऐसे ही सुनने के लिए शब्द भी हो, कान भी ठीक हो, और दिक् तत्व। दिक् तत्व कहते हैं, आप समझ लो कि हवा को, हवा के बिना मेरी आवाज आप तक, अगर बीच में हवा ना हो तो आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। तो इस तरह से उसकी उसको दैवी शक्ति बोलते। जब हम कहते हैं कि आंखें हो, सूरज हो, वस्तु हो, तो इसको कहते हैं आदि दैवक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। जिस वस्तु को देखना है वो उसको भौतिक बोलते हैं, जिस से देखना है आंखों से इसको आध्यात्मिक बोलते हैं, और सूरज को दैवक बोलते हैं, वो प्रकृति की देन। तो इस तरह से देवी शक्ति भी बीच में हो, भौतिक शक्ति भी बीच में हो, आध्यात्मिक शक्ति भी। एक एक इंद्रिय को हम लेते चले जाएं तो उसकी गणना इसी हिसाब से आप स्वयं कर सकते हैं कि जैसे देखने के लिए ये तीन चीज़ें चाहिए, ऐसे ही सुनने के लिए भी तीन चीज़ें चाहिए, छूने के लिए भी तीन चीज़ें चाहिए, सूंघने के लिए भी तीन चीज़ें चाहिए। जो भी काम आप करो, कुछ भी सोचते चले जाओ, उसमें ये तीनों की जरूरत होगी, भौतिक, दैवक, आध्यात्मिक। देखने वाला भी हो, जिसको देखना है वो भी हो, और सूरज भी बीच में, रोशनी भी बीच में। जब तक ये तीन तत्व नहीं होंगे आप कुछ देख नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे, बोल भी नहीं पाओगे। बोलने में भी यही है,
वाणी भी चाहिए, शब्द भी चाहिए, प्राण शक्ति चाहिए। अगर प्राण शक्ति नहीं है तो बोल भी नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हम कोई भी बात ले, जो भी हम काम करते हैं इन 19 की सहायता से करते हैं, अर्थात 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण, साथ में मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन्हीं से सारे काम होते। अच्छा, अब आप थोड़ा इस पर विचार करो कि बिल्कुल अंधेरा हो, अंधेरी रात हो, अमावस्या की रात हो, दिखलाई भी कुछ ना दे रहा, आंखें भी बंद, और आपसे कहा जाए कि आपके अपने किसी प्रियतम व्यक्ति को या वस्तु को याद करो और देखो। तो देखो, अंधेरी रात में आंखें बंद करके हम देखेंगे तो जिसका भी याद करोगे उसकी शक्ल भी सामने आ जाएगी, उसकी बिल्कुल सब बातें सामने आ जाएगी। अच्छा, ये जो आपने देखा, अब यहाँ कौन सी रोशनी थी, यहाँ कौन सी आंखें थी, यहाँ कौन सा दैवी शक्ति थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। तो जब इस पर आप थोड़ा चिंतन करोगे तो फिर आप असली बात को पकड़ोगे, जिसको हम अभी ब्रह्म कह रहे थे, कि जो निर्गुण निराकार, वो किस रूप में है, उसके रूप की व्याख्या शब्दों से नहीं बतलाई जा सकती, लेकिन अनुभव से, अनुभव के आधार पर उसके नज़दीक पहुंचा जाता है। थोड़ा चिंतन करते करते उसके पास हम पहुंच जाते हैं, फिर उसकी आराधना के ढंग भी बना लेते हैं। तो इस तरह से ये जो आपने पहचाना कि बिना किसी की सहायता के भी कुछ है, और वो जो कुछ भी है वो एक ऐसा है कि असल में जब खूब विचार करोगे तो आपको पता लगेगा कि उस समय जो देख रहा है, क्योंकि आपकी तो ये आंखें हैं नहीं, ये वाला आपका मन भी नहीं है, ये वाला आपका सूरज भी नहीं है, कोई रोशनी भी नहीं, तो उस समय जो कुछ भी जो देख रहा है, जो देखने वाला है, वही जो दिखाई दे रहा है वो, और दोनों के बीच की रोशनी, सब कुछ वही बना हुआ, आप उसमें हो ही नहीं। तो इसको एक भ्रांति कहते हैं, हम उस समय नहीं होते, क्योंकि वो जो भी एक तत्व है, दृष्टा भी वही है, दृश्य भी वही है, दर्शन भी वही, तो वहां पर जो क्यों, लेकिन दर्शा, दृष्टा, दृश्य, दर्शन एक होने पर भी वो माया सहित, माया के सहारे से वो तीन बनता है। बीच में से जब माया निकल जाएगी साधना से, तो फिर वो बने बनाएगा कुछ नहीं, केवल एक प्रकाश, केवल एक आनंद, बस उसी को सत्य भी कहेंगे, चित्त भी कहेंगे, आनंद भी कहेंगे, और फिर उसको पहचान के आप देखोगे कि वो आपसे अलग नहीं। अगर आपसे अलग होता तो वो कहीं और जगह होता, आप यहाँ बैठे होते, वो दूसरी कुर्सी पर बैठ के देखता, तो वो आपसे अलग नहीं है, वस्तुतः आपका ही सही स्वरूप, आपकी जो सही, जो औकात है, एग्जिस्टेंस है, जीवन है, अस्तित्व है, वो वही है। ये जो शरीर है ऊपर का, ये दूसरा तीसरा, ये उस असली ने अपने ऊपर कपड़े से पहन, जैसे हमने इस शरीर पर कपड़े पहने हुए हैं, ये उस तत्व के कपड़े हैं, ये कपड़े कुपड़े बदलते रहेंगे, वो ज्यों का त्यों ही रहता। तो ऐसा चिंतन, ये क्या हुआ, ये निर्गुण निराकार की भक्ति हुई, ये एक।
ढंग हुआ, इसको संक्षेप में केवल मैं इशारों से आपको बात समझा रहा हूँ। इतने से उसकी वो भक्ति पूरी नहीं होती, क्योंकि निर्गुण निराकार की उपासना ये अलग से एक पूरे का पूरा समझ लो विषय, इसी को ज्ञान मार्ग कहते हैं। और ज्ञान मार्ग में इसी तरह की उपासना है। तो ज्ञान मार्ग में अगर कभी आपने इस तरह के स्तोत्र देखे हों, मनोबुद्धि अहंकार चित्ताणि नाहम न चाघ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमि, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, पृथ्वी नहीं हूँ, ये ऐसे ऐसे स्तोत्र, उनका चिंतन करते हुए मूल तत्व तक पहुँचना, उसी को नमस्कार करना कि मैं ही, फिर धीरे धीरे अपने आप ही सब बातें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। इसको निर्विषयक वृत्ति बोलते हैं। तो निर्विषयक वृत्ति से निर्गुण निराकार की भक्ति होती, हमारी वृत्ति में से विषय निकल जाए तो निर्गुण निराकार की भक्ति। निर्गुण निराकार की भक्ति वालों में शंकराचार्य जी नंबर वन पर हैं, और उनके बाद फिर मधुसूदन सरस्वती, मध्वाचार्य जी और कई आचार्य हैं, फिर उनकी एक पूरी श्रृंखला है और आज तक उनकी भक्ति चली आ रही है। इस मार्ग के भी बहुत से भक्त हैं, उनको हम कहते हैं ज्ञान प्रधान भक्ति। उसमें ज्ञान की प्रधानता है और अंतःकरण की शुद्धि, जो शुरू में हमने कहा भक्ति के लिए जरूरी है, वो तो होनी ही है। बिना अंतःकरण की शुद्धि के इसे भी नहीं पकड़ पाओगे। तो इस तरह से ये निर्गुण निराकार ईश्वर का एक रूप हुआ निर्गुण निराकार। दूसरा रूप उसका है, ये निर्गुण निराकार वाले रूप को ब्रह्म कहते। दूसरा उसका रूप हो गया सगुण निराकार। गुण उसमें सभी हैं, आकार उसका कोई नहीं, शक्ल सूरत उसकी कोई नहीं। तो इस स्थिति वाले इस रूप को परमात्मा बोलते। तो परमात्मा की भक्ति, वो इसको निराकार की भक्ति कहते। निराकार की भक्ति में जैसे उसके गुणों का वर्णन, केवल उसके गुण के, वही सब कुछ है, जितने भी उसके गुण हैं, और गुणों की संख्या कोई थोड़ी सी नहीं है, वो स्वयं अनंत है, उसका अंत नहीं, तो उसके गुणों का भी कोई अंत नहीं है। तो उसके गुणों का चिंतन करते रहना, वो सर्वज्ञ है, कण कण में है, हर एक को जानता है, हर एक का पालन पोषण करता है, वो हर एक के हृदय में बैठा हुआ है, वही सबका अंतर्यामी है, वही हमारे जीवन का नियंता है। तो उसके गुणों को लेकर उसका चिंतन करना, जैसे कबीर हैं, दादू हैं, संत मत के जितने भी भक्त हुए वो सगुण निराकार के भक्त हैं, कि गुण तो उसमें सारे हैं, आकार कोई नहीं है उसका। हमारा आर्य समाज जो है हिंदू धर्म का एक पक्ष, वो भी इसी भक्ति का है, आकार नहीं, गुण सभी हैं, ऐसा स्वीकार करके उसको भजते रहते। और जितने भी सूफी संत हैं वो सब इसी मार्ग के, इस मार्ग में सूफियों की भाषा में सफात और जात में एकता। सफात कहते हैं सिफत को, सिफत कहते हैं गुण को,
उर्दू में उसको सिफ्त कहते हैं कि उसमें बड़ी सिफ्तें हैं। सिफ्त का मतलब है गुण, किसी की सिफ्त करना, उसके गुणों का गान करना। तो वो कहते हैं सफात और जात, ईश्वर का स्वरूप और ईश्वर के गुणों में एकता है। वो कहते हैं ईश्वर का स्वरूप क्या है, कहते उसके गुण ही उसका स्वरूप। ईश्वर के स्वरूप को रूप तो उसका है नहीं, केवल स्वरूप अर्थात गुण है उसमें, आकार नहीं है, शक्ल सूरत नहीं। तो जो इस सिद्धांत को मानते हैं वो ईश्वर के गुण गान करते रहे, और वो हर जगह है, इसलिए उसके लिए किसी मंदिर की, किसी मस्जिद की, किसी चर्च की, किसी गुरुद्वारे की कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए कबीर आदि जितने भी भक्त हुए, संत मत के जितने भी हैं, उनकी वाणी में, उनकी बातों में ऐसे लगेगा कि जैसे ये मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, मंदिरों का खंडन कर रहे हैं। वस्तुतः वो खंडन नहीं है, वो अपनी बात अपने ढंग से कहते, वो अपनी बात कहते हैं, अपनी बात उनकी कहने में दूसरे को हमें ऐसे लगे कि मूर्ति का खंडन है, वो बात दूसरी। अपने आप वो खंडन इस तरह का नहीं करते कोई भी, लेकिन समझाने के लिए वो ज़रूर यही कहते हैं कि अगर वो सिर्फ यही है, वृंदावन में ही है, आज तक वृंदावन से बाहर नहीं गया कहीं भी। राधा जी के लिए ये प्रसिद्ध है कि राधा जी वृंदावन से बाहर नहीं गईं, तो फिर वो कहते हैं कि अगर वो वृंदावन से बाहर नहीं गई तो फिर नागपुर वालों के लिए तो कोई लाभ है नहीं, ना उसने आना है बाहर, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है कि वृंदावन छोड़ के मैं जाऊंगी नहीं। तो जब उसने वृंदावन से बाहर एक कदम ही नहीं रखना, तो फिर आप जितना मर्जी राधा राधा करो, कुछ भी करो, उसकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, तो क्या फिर आपको मिलेगा उसे? फिर उसका ये है कि राधा जी ने आज तक स्वाय कृष्ण के और किसी को देखती नहीं वो, तो फिर भी आपको, आप कितना चीखो चलाओ उसके सामने, उसने देखना ही नहीं। जब देखना ही कृष्ण को है तो फिर उसके गीत गा के क्या मिल जाएगा? तो ये सगुण निराकार वालों के इस तरह के तर्क, सभी अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, गलत कोई भी नहीं है। है उसी एक जिसको हमने ब्रह्म कहा था। ब्रह्म का मतलब जैसे जब आप सो जाते, आप सो गए तो आप समझ लो कि आप कुछ भी, ना हिंदू ना मुसलमान, ना सगुण ना निर्गुण, ना स्त्री ना पुरुष, ना किसी की मौसी ना मामा ना चाचा, सारा कुछ खत्म। और जो ही आप उठ बैठे जरा सा, तो दुनिया भर के फिर को ये मेरा वो है वो, सब तरफ से वो। देखो एक ही आदमी, सो जाने पर वो कुछ भी नहीं, जागने पर बेटा भी वही है, बाप भी वही है। कहने का अर्थ ये है कि वो किसी का बेटा है और किसी का बाप। बोलने में हम कहेंगे कि यही बेटा भी है, यही बाप भी है। तो जो शास्त्र की भाषा से परिचित नहीं है वो इससे परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है कि बेटा भी वही है और बाप भी वही है, जबकि असलियत यही है कि सब इस बात को जानते हैं कि माँ भी वही है, बेटी भी वही है, मौसी भी वही है, मामी भी वही है, एक ही तो है, किसी की मौसी है, किसी की मामी है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी का, एक में ही इतने सारे रिश्ते। और ये रिश्ते कैसे हैं? बस वो जो ही आप सगुण में आए और फिर साकार भी हो गए तो दुनिया भर के रिश्ते बन जाए। तो ये जो ब्रह्म के बाद परमात्मा की बात कही कि परमात्मा क्या है, सगुण निराकार, गुण सारे ही हैं, आकार कोई नहीं। देखो जब आप सो जाते हैं तो निर्गुण निराकार,
ब्रह्म की तरह। उठने के बाद जब आप मन से काम ले रहे हैं, मन तो मन क्या है, ये परमात्मा की, इसमें गुण सारे ही हैं, आकार कोई नहीं। जो आपका मन है इसमें सारे ही गुण है, दुनिया भर की बातें इसी में है, लेकिन इसकी शक्ल सूरत क्या, मन है कैसा, किस तरह का है, इसका कोई शक्ल सूरत नहीं। और ये सारी दुनिया को यही बनाता है, जो हम कहते हैं ना कि परमात्मा ही दुनिया को, दुनिया का मतलब हम में से हर एक की अपनी अपनी दुनिया, हर एक की अपनी अपनी दुनिया, और जो अपनी दुनिया है वही उसको दुख देती है। वही अपनी दुनिया का मतलब है जिनको आपने अपना मान रखा है कि ये मेरा चाचा, ये मेरा मामा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा भाई, ये मेरा घर, ये मेरा कुत्ता, ये मेरी कार, ये मेरी कोठी, जिस जिसको वो आपकी रचना, उसकी रक्षा भी आप ही करते हो। तो इसलिए आप उस स्तर पर परमात्मा, उत्पत्ति भी आप करते, तो जो आपकी रचना है, जो आपका संसार है, वही आपको दुख देता है। बाकी सारा संसार पड़ा हुआ है, उससे आपका दुख सुख जुड़ा हुआ नहीं। सिंगापुर में कुछ भी हो जाए इस समय आपको फर्क नहीं पड़ता, नागपुर में कुछ भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने मोहल्ले में कुछ हो जाए कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, अपने ही घर में अगर कोई बात हो गई तो वही दुख देगी। क्यों? क्योंकि वो मेरा संसार, वो मेरी दुनिया है, मेरी रचना है। तो देखो मन क्या है, सगुण है निराकार, गुण इसमें सारे ही हैं तो निराकार है। तो इसलिए जब कोई कहता है ना कि जो परमात्मा की मर्जी होगी वो हो जाएगा, तो समझ लो जो इसका मन चाहेगा वो हो जाएगा। परमात्मा परमोत्मा कहीं नहीं है, आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हो सारे। जब कहोगे ना कि भाई आप वहाँ आओगे या नहीं, कहो जैसी परमात्मा की इच्छा। अरे परमात्मा की इच्छा का हमें पता है, मतलब यह है कि जब मेरा मन होगा तो आ जाऊँगा, नहीं होगा तो ना। और तो कोई परमात्मा आपको कहीं मिलना नहीं है, जितना मर्जी आप प्रयत्न करो। तो इस तरह से इस स्तर पर वो परमात्मा है जिसमें गुण तो है, आकार कोई। तीसरा उसका रूप है जिसको हम भगवान कहते हैं। भगवान में क्या है, उसकी शक्ल सूरत भी है और उसमें गुण भी, वो सगुण साकार। सगुण साकार जैसे आप अब सब बैठे हुए, आप साकार भी हैं, शक्ल सूरत भी है सबकी अपनी अपनी, और गुण भी सारे। तो क्योंकि जैसे हम हैं, हमें इसी तरह का ईश्वर अच्छा लगता है, इसलिए हमने उसकी मूर्ति भी बना ली। क्योंकि हम तो उस तरह के बन नहीं पाए, अगर उसके गुणों को देखें वो करें तो हम वहाँ तक बन नहीं पाए, या बनना चाहते नहीं, या हमारी वासनाएं ऐसी हैं कि